वेलकम टू रीकैप वाला और हमारी आज की मूवी है दो बार ऑस्कर अवार्ड्स को अपने नाम करने वाली साल 2010 की दी फाइटर। ये एक बिल्कुल ट्रू स्टोरी है मिकी वार्ड नाम के एक आयरिश अमेरिकन बॉक्सर और उसके बड़े भाई के बारे में जिन्होंने 90s में अमेरिकन और वर्ल्ड बॉक्सिंग में अपनी पहचान क्रिएट की और वर्ल्ड चैंपियनशिप को भी अपने नाम किया। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने आज की वीडियो की तरफ और अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो प्लीज मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1993 में मैसेच्यूसेट्स के लोवेल शहर से, जहां हम कैमरा के सामने डिकी नाम के एक रिटायर्ड बॉक्सर को देखते हैं जिसपे HBO चैनल एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा है। डिकी कैमरा पे अपनी फैमिली और बचपन के इंसिडेंट्स बताता है और डिस्कस करता है कि कैसे वो 1978 में शुगर रे नाम के एक फेमस बॉक्सर को भी नॉकआउट कर चुका है। तभी हम डिकी के छोटे भाई मिकी को देखते हैं जो उसके साथ आके बैठता है और डिकी बताता है कि वो अपने भाई को बचपन से ही बॉक्सिंग सिखा रहा है और उसे यकीन है कि उसका भाई एक दिन बॉक्सिंग में अमेरिका को रिप्रेजेंट करेगा। कैमरा क्रू अगले कुछ दिनों तक दोनों भाइयों को फॉलो करता है और उनका शहर के लोगों से इंटरेक्शन और बॉक्सिंग प्रैक्टिस भी रिकॉर्ड करता है और हम नोटिस करते हैं कि डिकी अपने छोटे भाई की तरह उतना हेल्दी और फिट नहीं है। मिकी की नेक्स्ट फाइट अटलांटिक सिटी में होती है जिसके लिए वो ट्रेन कर रहा होता है, पर सुबह के 11 बजे तक भी डिकी उसे ट्रेन करने बॉक्सिंग जिम में नहीं आया होता। कैमरा क्रू के सामने अपने भाई की एब्सेंस में मिकी बेहद अकेला फील कर रहा होता है, इसीलिए ओ कीफ नाम का एक रिटायर्ड बॉक्सर जो अब एक पुलिस वाला होता है मिकी की ट्रेनिंग शुरू करवाता है। ओ कीफ का मिकी को ट्रेन कराना मिकी की माँ एलिस को पसंद नहीं आता क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसका बड़ा बेटा डिकी ही इस जिम का असली बॉक्सिंग कोच है। सेम टाइम पे शहर के दूसरी तरफ हम डिकी को अपने फ्रेंड्स के साथ क्रैक कोकेन लेते हुए देखते हैं और उसके फ्रेंड्स उसे याद दिलाते हैं कि आज सुबह 9 बजे तो उसे अपने भाई की प्रैक्टिस पे जाना था और वो काफी लेट है और डिकी वहाँ कोई कार ना होने की वजह से जिम तक भाग के पहुँचता है और उसका ये बिहेवियर कैमरा क्रू वाले भी नोटिस करते हैं। अटलांटिक सिटी की फाइट से पहले भी जब सब लोग कार लेके एयरपोर्ट जाने का वेट कर रहे होते हैं तब भी डिकी वहाँ नहीं होता और ओकीफ कहता है कि डिकी जरूर क्रैक हाउस में कोकेन ले रहा होगा क्योंकि वो लाइफ में किसी चीज के लिए भी सीरियस नहीं है। मिकी उसे लेने अपने पेरेंट्स के साथ उस क्रैक हाउस में जाता है और ये देख के कि उसके पेरेंट्स नीचे हैं, डिकी उस घर के फर्स्ट फ्लोर से नीचे छलांग मार देता है, पर मिकी उसे समझाता है कि उसे एम्बैरस होने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पेरेंट्स उसकी ड्रग प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं और वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि डिकी उनके साथ जल्दी एयरपोर्ट के लिए निकले ताकि वो फ्लाइट के लिए लेट ना हो। अटलांटिक सिटी पहुंच के फाइट से कुछ देर पहले मिकी को पता चलता है कि जिस बॉक्सर से वो फाइट करने वाला था वो बीमार है और उसकी जगह अब उसे एक नए बॉक्सर से लड़ना पड़ेगा जो उससे वेट में काफी ज्यादा है। मिकी इस फाइट के लिए बिल्कुल श्योर नहीं होता, पर उसकी माँ एलिस और डिकी उसे यकीन दिलाते हैं कि वो इस फाइटर से लड़ पाएगा क्योंकि वो फाइटर अभी रिसेंटली ही जेल से छूटा है और इस वक्त अच्छी शेप में भी नहीं है। उनकी बात मान के मिकी फाइट के लिए मान जाता है, पर रिंग में आके वो देखता है कि उसका ओपोनेंट एक काफी हैवी और फिट फाइटर है और फाइट शुरू होते ही वो फाइटर मिकी पे भारी पड़ता है और उसे बेहद बुरी तरह मार खा के हार का सामना करना पड़ता है। इस फाइट के बाद माइक टॉमा नाम का एक बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड का मैनेजर मिकी से मिलता है और कहता है कि एज अ बॉक्सर उसमें काफी पोटेंशियल है और उसे अपने ड्रग एडिक्ट भाई की कोचिंग छोड़ के लास वेगास के उसके बॉक्सिंग क्रू को ज्वाइन करना चाहिए जिस बॉक्सिंग ट्रेनिंग के लिए वो उसे हर महीने पे भी करेगा और मिकी कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। अटलांटिक सिटी से वापस आते हुए मिकी नोटिस करता है कि उसकी माँ और डिकी ड्रिंक करके एंजॉय कर रहे हैं और उन्हें उसके इंजर्ड चेहरे या फाइट हारने का कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। मिकी कुछ दिनों के लिए बॉक्सिंग और अपनी फैमिली से ब्रेक लेता है और अपनी नई गर्लफ्रेंड शार्लिन से मिलता है और उसकी फाइट के बारे में सुनके शार्लिन उसे कहती है कि उसे लास वेगास जाके ट्रेनिंग करनी चाहिए क्योंकि एलिस और डिकी उसके बॉक्सिंग करियर को लेके बिल्कुल सीरियस नहीं है और आज से कुछ सालों बाद उसे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलने वाली। मिकी की डिकी के सिवा 7 बहनें होती हैं जो अपनी माँ एलिस को शार्लिन के खिलाफ भड़काने लगती हैं और कहती हैं कि मिकी अब शार्लिन के साथ रहने लगा है इसीलिए बॉक्सिंग और हमसे दूर हो गया है। जिसके बाद एलिस अपने हस्बैंड जॉर्ज और सारे बच्चों के साथ मिकी और शार्लिन को अपने घर एक मीटिंग के लिए बुलाती है। एलिस कहती है कि उसने मिकी के लिए एक नई फाइट अरेंज की है, पर मिकी कहता है कि अब वो ये छोटी फाइट्स नहीं लड़ना चाहता और वो लास वेगास जाके ट्रेनिंग करना चाहता है क्योंकि यहाँ कोई उसकी बॉक्सिंग को लेके सीरियस नहीं है। मिकी कहता है कि यहाँ फाइट्स करके वो कुछ अर्न भी नहीं कर रहा और वहाँ ट्रेनिंग और बॉक्सिंग मैचेस के लिए उसे पैसे भी मिलेंगे, जिसपे डिकी अपने भाई से फैमिली ना छोड़ के उसी के साथ ट्रेनिंग करते रहने के लिए कहता है और कहता है कि लास वेगास वाले उसे जो भी पे कर रहे हैं डिकी भी उसे हर महीने उतना ही पे करेगा और मिकी रुक जाता है।
डिकी के पास कोई जॉब नहीं होती और वो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ बस ड्रग लेता है, इसलिए वो पैसे अरेंज करने के लिए एक फैमिली को एक लॉटरी स्कीम में कॉन करने का ट्राई करता है, पर जब उसे वहां से भी पैसे नहीं मिलते तब वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोस्टिट्यूशन के लिए भेजता है। डिकी अपने फ्रेंड के साथ अपनी गर्लफ्रेंड को उसके क्लाइंट के साथ फॉलो करने लगता है और एक पुलिस वाला होने की एक्टिंग करके एक खाली जगह पे उस आदमी को लूटने लगता है, पर तभी वहां असली पुलिस आ जाती है और डिकी की गर्लफ्रेंड और उसके फ्रेंड को पुलिस पकड़ लेती है और वो पुलिस से भागने लगता है। भागते भागते डिकी उस क्लब के बाहर आ जाता है जहां आज उसकी पूरी फैमिली के साथ मिकी और शार्लिन डिनर करने आए होते हैं। क्लब के बाहर डिकी पुलिस वालों से हाथापाई करने लगता है और एक पुलिस वाले को मुंह पे पंचेस मारता है, जिसके तुरंत बाद और पुलिस वाले भी वहां आ जाते हैं और एक पुलिस वाले पे हाथ उठाने के लिए वो सब डिकी को पीटने लगते हैं। शोर सुन के मिकी और सारी फैमिली भी बाहर आती है और अपने भाई को पिटते देख के मिकी पुलिस वालों को रोकने लगता है और गुस्से में पुलिस वाले मिकी को भी सबके सामने पीटने लगते हैं। शहर का ही एक पुलिस वाला, जिसे पता होता है कि मिकी एक बॉक्सर है, जानबूझकर मिकी का एक हाथ तोड़ देता है और डिकी के साथ पुलिस मिकी को भी अरेस्ट कर लेती है। कोर्ट में मिकी को बेल मिल जाती है, पर डिकी को ड्रग्स लेके चोरी करने और पुलिस पे अटैक करने के लिए कई सालों की सजा होती है और मिकी अपने भाई से सारे रिश्ते तोड़ लेता है, क्योंकि डिकी और उसकी ड्रग प्रॉब्लम की वजह से वो कभी अपनी बॉक्सिंग पे फोकस नहीं कर पाएगा और डिकी वहां से जेल चला जाता है। जेल में ड्रग्स ना मिलने की वजह से डिकी को विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं और उसकी तबीयत भी काफी बिगड़ जाती है। कुछ दिनों के बाद HBO की वो डिकी पे बनाई गई डॉक्यूमेंट्री टीवी पे रिलीज होती है और डिकी की सभी कैदियों के बीच में पॉपुलैरिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि रॉकी जैसी कोई मूवी उसके ऊपर बनाई जाएगी। पर वो डॉक्यूमेंट्री डिकी के बॉक्सिंग कमबैक के बारे में नहीं, बल्कि अमेरिका के क्रैक कोकीन एडिक्शन के बारे में होती है, जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे डिकी ने क्रैक कोकीन की वजह से अपना बॉक्सिंग करियर और फैमिली का नाम खराब कर दिया। ये डॉक्यूमेंट्री बाहर भी सब लोग देख रहे होते हैं और एलिस, डिकी की सारी बहने और मिकी भी ये देख के बेहद दुखी होते हैं और उन्हें HBO के मेकर्स पे बेहद गुस्सा आता है। डॉक्यूमेंट्री के बीच में ही डिकी शर्मिंदा होके एक हारे हुए इंसान की तरह फील करने लगता है और वो जेल का कॉमन टीवी भी बंद कर देता है और बाकी कैदियों से भी लड़ने लगता है जो उस डॉक्यूमेंट्री को पूरा देखने की जिद कर रहे होते हैं। बाहर शार्लिन मिकी को अपने भाई से दूर रह के अपनी बॉक्सिंग पे फोकस करने को बोलती है, क्योंकि डिकी अपनी लाइफ ड्रग्स और जेल में खराब कर चुका है और अब वो उसे कुछ नया नहीं सिखा सकता। मिकी का फादर जॉर्ज भी मानता है कि एलिस और डिकी का साथ मिकी की बॉक्सिंग के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए वो उसे उन दोनों से दूर रहने के लिए कहता है। जॉर्ज के कहने पर ओकीफ मिकी का नया ट्रेनर बन जाता है और जल्द ही मिकी का इंजर्ड हाथ भी ठीक होने लगता है और वो सब कुछ भूल के सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान देने लगता है। मिकी अपनी माँ एलिस की जगह सैल नाम के एक आदमी को अपना मैनेजर असाइन कर लेता है और शार्लिन, ओकीफ और सैल तीनों इसी शर्त पे मिकी की टीम में आते हैं कि मिकी फिर कभी अपने भाई डिकी या माँ एलिस को अपनी बॉक्सिंग के बीच में नहीं आने देगा और वो मान जाता है। एलिस को जब पता चलता है कि मिकी ने अपना मैनेजर और ट्रेनर बदल दिया है, तब वो अपने हस्बैंड जॉर्ज पे बेहद गुस्सा होती है और अपनी बेटियों के साथ मिकी के घर चली जाती है, जहां मिकी की बहनें शार्लिन से लड़ने लगती हैं और मिकी बेहद मुश्किल से इस हाथापाई को रोकता है और अपनी माँ एलिस से भी बात करना बंद कर देता है। मिकी का नया मैनेजर और टीम उसके लिए अब नए और बेटर बॉक्सिंग मैचेस अरेंज करते हैं और मिकी अपनी मेहनत से एक के बाद एक 4 बॉक्सिंग मैचेस जीत जाता है और इन मैचेस के बाद उसका कॉन्फिडेंस भी काफी बढ़ जाता है। उधर जेल में डिकी भी ड्रग्स छोड़ चुका होता है और अब अपनी फिटनेस पे ध्यान देने लगता है। कुछ दिनों के बाद मिकी को माइक टॉमा के ग्रुप के एक मशहूर मैक्सिकन बॉक्सर से लड़ने का चैलेंज आता है, जिस न्यूज को शेयर करने के लिए मिकी डिकी से मिलने जेल में जाता है। डिकी ने इस बॉक्सर के फाइटिंग पैटर्न को ऑब्जर्व किया होता है और वो मिकी को बिना अटैक करे पहले इस बॉक्सर को थकाने के लिए कहता है, पर मिकी कहता है कि अब वो नहीं, बल्कि ओकीफ उसका कोच है, इसलिए वो वैसे ही लड़ेगा जैसे ओकीफ कहेगा। और वो डिकी को कहता है कि अगर तू इतना ही अच्छा ट्रेनर था तो तूने ड्रग्स को छोड़ के मुझे ट्रेन क्यों नहीं किया। डिकी उसे बताने लगता है कि वो कई महीनों पहले ही ड्रग्स छोड़ चुका है, पर मिकी उसकी पूरी बात सुने बिना ही वहां से चला जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका भाई उसकी सक्सेस से जल रहा है। फाइट वाली रात को जब मिकी का उस मेक्सिकन फाइटर से सामना होता है, तब पहले ही राउंड में वो समझ जाता है कि ये बॉक्सर बेहद स्ट्रांग है और वो ओकीफ की स्ट्रेटेजी को छोड़ के डिकी का बताया हुआ प्लान फॉलो करने लगता है और 5 राउंड्स तक सिर्फ खुद को डिफेंड करके उस बॉक्सर से मार खाता रहता है, जिस फाइट से ऑडियंस भी बोर होने लगती है और सब श्योर होते हैं कि मिकी ये फाइट हार जाएगा।
डिकी भी जेल के अंदर से एलिस से फोन पे बात कर रहा होता है, जो उसे बता रही होती है कि मिकी ये फाइट हार रहा है, पर डिकी उसे भरोसा रखने को बोलता है और उसी के प्लान के अकॉर्डिंग अपने ओपोनेंट को थका हुआ देख के मिकी फेस और साइड पंचेस मार के अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर देता है। इस जीत से सारी मीडिया और ऑडियंस चौंक जाती है और जेल में डिकी, जेल के गार्ड्स और बाकी कैदी भी उसके भाई के इस मैच का जश्न मनाते हैं और इस जीत के साथ मिकी लंदन में होने वाले बॉक्सिंग के वर्ल्ड फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेता है। कुछ दिनों बाद जब डिकी जेल से पैरोल पे बाहर आता है तो एलिस उसे पिक करने आती है और वो जेल से सीधा मिकी के जिम में जाते हैं, जहां मिकी अपनी फाइट के लिए ट्रेनिंग कर रहा होता है। डिकी पहले की तरह लॉकर रूम में जाके अपने बॉक्सिंग ग्लव्स पहनने लगता है ताकि बॉक्सिंग रिंग में आके उसे ट्रेन कर सके, पर मिकी कहता है कि अब वो उसका ट्रेनर नहीं है और उसने अपनी टीम से प्रॉमिस किया है कि वो दोबारा कभी डिकी के साथ ट्रेनिंग नहीं करेगा, जो सुन के डिकी टूट जाता है और गुस्से में वो अपने लॉकर को पंच करने लगता है। डिकी को जिम से बाहर जाता देख के एलिस मिकी से कहती है कि हम तेरी फैमिली है और डिकी ने ही तुझे बॉक्सिंग सिखाई थी। वो कहती है कि डिकी की गाइडेंस के बिना तू कभी लास्ट फाइट नहीं जीत पाता और नेक्स्ट फाइट में भी तुझे जरूर उसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ वो जानता है कि तुझे कैसे ट्रेन करना है। ओकीस और शालीन को जब पता चलता है कि मिकी अपने भाई से जेल में मिलने गया था और लास्ट फाइट में उसकी बताई हुई टेक्निक यूज कर रहा था, तब वो दोनों उसकी बॉक्सिंग रिंग से बाहर चले जाते हैं और कहते हैं कि अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग वो तब तक मिकी के साथ काम नहीं करेंगे जब तक डिकी यहां से चला नहीं जाता, क्योंकि वो जरूर फिर से अपने ड्रग्स और लड़ाइयों के चक्कर में तुझे मुसीबत में डालेगा। और ये कह के वो दोनों जेम से बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद एलिस मिकी से कहती है कि डिकी ने 8 महीनों से ड्रग्स को नहीं छुआ है और उसे एक बार अपने बड़े भाई को एक चांस देना चाहिए, और मिकी डिकी के साथ ट्रेनिंग करने के लिए मान जाता है, पर उसे जल्द ही डिकी पे गुस्सा आने लगता है और वो ट्रेनिंग के दौरान उसे सीरियसली पंचेस मार के नीचे गिरा देता है और अपनी माँ से कहता है कि अपनी फैमिली की तरह उसे ओकीफ और शार्लिन की भी जरूरत है और सिर्फ डिकी की वजह से अब वो लोग मुझसे बात नहीं करेंगे। डिकी की बहनों ने उसके जेल से लौटने की खुशी में एक केक बनाया होता है और मिकी से मार खा के डिकी अपना वेलकम केक उठा के जिम से बाहर निकल जाता है। जॉर्ज उसे बेहद आवाज लगाता है क्योंकि उसे लगता है कि डिकी फिर से क्रैक हाउस में जाके ड्रग्स लेने लगेगा, पर डिकी क्रैक हाउस जाके अपने पुराने साथियों को वो केक देके आगे बढ़ जाता है और ड्रग्स नहीं लेता। डिकी शार्लिन के घर जाता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो ड्रग्स छोड़ चुका है और फिर कभी मिकी के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। वो कहता है कि मिकी को मेरी कोचिंग और तेरी कंपनी की जरूरत है और इस वक्त हम सबका उसके साथ रहना जरूरी है, वरना इस स्ट्रेस की वजह से वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हार जाएगा। तभी मिकी भी वहां जाता है और शार्लिन और डिकी कहते हैं कि उन दोनों की सुलह हो गई है और अब वो सब साथ में रहेंगे, जिसके बाद दोनों भाई पहले से भी कहीं ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने लगते हैं और मिकी वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइट के लिए रेडी होने लगता है। फाइट के लिए पूरी फैमिली लंदन जाती है, जहां मिकी का सामना एक इंग्लिश बॉक्सर से होता है, क्योंकि मिकी का ओपोनेंट एक इंग्लिश होता है और वो एक अमेरिकन होता है, इसीलिए फाइट वाले दिन लंदन का क्राउड इंग्लिश बॉक्सर को सपोर्ट करते हुए मिकी को डीमोटिवेट करने लगता है, पर डिकी उसे ये सब इग्नोर करके रिंग में ले आता है। मिकी का ओपोनेंट एक बेहद एक्सपीरियंस बॉक्सर होता है और वो पहले राउंड से ही मिकी पे हावी होने लगता है और उस पे पंचेस की बरसात कर देता है। 6th राउंड में वो बॉक्सर मिकी को पंच मार के नीचे भी गिरा देता है, पर मिकी खुद को संभाल के वापस उठ जाता है। डिकी ब्रेक में उससे कहता है कि वो वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाया, पर आज मिकी जरूर बनेगा, और वो उसे अपने ओपोनेंट को डिफेंस छोड़ के अब हिट करने को कहता है। और मिकी मौका मिलते ही उस बॉक्सर को एक फेस पंच मारता है और उसके तुरंत बाद हेड और बॉडी पंचेस बरसाता हुआ अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर देता है। रेफरी मिकी को विनर अनाउंस कर देता है और डिकी समेत उसके सभी फैमिली मेंबर्स रिंग में घुस के उसे कांग्रेचुलेट करते हैं और मिकी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत जाता है। और लास्ट सीन में हम मिकी और डिकी को एक और डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग में कैमरा के सामने बैठे हुए देखते हैं। मूवी के एंड टेक्स्ट में हमें बताया जाता है कि मिकी ने साल 2003 में शार्लिन से शादी कर ली और डिकी आज उसी शहर के जिम में फुल टाइम बॉक्सर्स को ट्रेन करता है। और फाइनली हमें दोनों भाइयों की रियल फुटेज दिखाई जाती है, जो कैमरा के आगे अपने बॉक्सिंग के दिनों के किस्से सुना रहे हैं। एक और ऐसी ही ट्रू स्टोरी के लिए लेफ्ट या राइट में दिख रही मूवी पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।